18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। देखिए, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या बिनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं, उस दिन क्या सामना करेंगे। और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता है बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस। देखिए, इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट है, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग पौने 2 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया। और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या यह सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं, क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रुकवाई? क्या
क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको।